summit? Have you decided? क्या डिसाइड किया? अभी भी? सर मैं हामिद को कुछ बोल सकता हूँ? हामिद को क्या बोलूँ? हामिद अपने बीच में डील हुई थी मेरे को सपोर्ट करने की। अगर तू जैसे उसने मेरा कनेक्शन ब्रेक करा है, अगर तू वैसा उसका कनेक्शन ब्रेक करता तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि फेयर हुआ एकदम मेरे साथ में। Have you decided? Okay. क्या है डिसीजन? आशीष चल रहा है साथ में? हाँ चल रहा हूँ साथ में। I don't want to perform with Akash Tina, so I might be leave with Mehak. ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं परफॉर्म ही नहीं कर सकता। तेरे को मैंने पूछा ही नहीं कुछ अभी। सॉरी सॉरी। तू सबको समझाता है ना कशिश? ये शो है, बहुत बड़ा शो है, इसकी अहमियत है, ये है वो है। अब तू ऐसी बिहेव कर रहा है? तू एक शो जीत के आया है यहाँ पर। आज जैसे ही इन लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया था, बोला था कि हाँ कशिश के साथ में परफॉर्म करना है, और मैंने बोला था कि मैं अपना 100% तभी दूंगा इफ यू वांट टू सेव महक, और संदूस ने बोला था यस आई विल। ओके, व्हेन वाज दैट? जब मैं आके खड़ा हुआ था वो कैमरा पे, वो दिख जाएगा। ठीक है, दिखते है। मैं कभी नहीं बोला था आई वांट टू सेव महक। एवरीवन हियर इज नॉट शॉक्ड आउट ऑफ माय डिसीजन, सो दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक वन पर्सन इन दिस विला, दैट्स संदूस, क्योंकि वो अपनी बातों के अंदर इट्स ओके आई डोंट केयर। या इट्स सो दे आर सिटिंग हियर बिकॉज़ यू हेल्प्ड देम एंड दे डंप्ड योर कनेक्शन। एग्जैक्टली, they are thankless people. मैंने हामिद को आते हुए बोला था कि हामिद देख, आज तू जो भी डिसीजन लेने वाला है, आज अगर महक जा रही है तो आज मैं भी जा रहा हूँ, तो उसको कंसिडर करके डिसीजन लियो। और हो सकता है उसने एक तीर से दो निशाने मारे। 100% वही होगा, क्योंकि अगर मैंने उसको इतना क्लियरली बोल दिया था तो आई थिंक उसने वही सोच के किया है। कशिश, जवाब तुम उनको तब दोगे जब तुम शो जीतोगे, इन चाहे मैक हो या ना हो, वो होता है जवाब। You're the winner of Roadies. That person who won is the same person who's here, who has that ability to win. मैम, so when I won Roadies ना, मेरे मन में जीतने की बहुत ज़्यादा चीज़ थी। उसके बाद ना मेरे जो 4 साल लाइफ के गए ना, वो बहुत डिफरेंट गए हैं। आई टुक स्टैंड फॉर माई मॉम, जहाँ पे मेरी मॉम बहुत ही गलत सिचुएशन में थी, मैंने उनके लिए स्टैंड लिया, मैं सबसे लड़ गया पूरी फैमिली से अपनी मॉम के लिए। एंड आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो अगर एक कमिटमेंट करता है ना किसी भी इंसान को, तो उसके लिए वो कमिटमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तुमने महक को ये कमिट किया कि वो अगर निकल गई तो तुम शो छोड़ दोगे? मैंने उसको ये चीज बोली थी,
And you'd want that, Mahek? That's on him. But मैं कुछ भी चाहती हूँ, I don't want him to perform with Akash Leena and Parakshi. But अगर वो करता है तो it's his choice. Instead of motivating somebody she feels so strongly about, she's imposing her. I'm not imposing. अगर impose करना होता तो मैं तेरे को भेजती भी नहीं उसके साथ idol match पे. तुमने नहीं भेजा महक, हम दोनों गए. कशिश की choice है. कशिश ना मेरे को मत बोलो. वो भी उसका ही choice था वहाँ पे जाना. मेरे को मत बोलो, ask her. कशिश, क्या हो रहा है? नहीं बोलने के लिए मैम. I can understand your feelings. मैं ये भी समझती हूँ कि how your function. And जो भी आप बोलते हैं वो आपको वो ही करना है. लेकिन अगर आप हार जाएंगे, that's different type of loss. Now, I'll just give you an example of myself. Now, if I took everybody's shit since I got here, jab main aayi thi is country mein, then I would have packed my bags and gone home. Lekin wo hua nahi. Abhi 10 saal ho gaye. I don't care what they say, I don't care what they do. Itna niche dikhane ke liye kuch bhi bolte, kuch bhi karte, kitne cases, kitne sare cheeze. So even though this is a show, one show, I want you to look at the long game, the bigger picture. Wo bigger picture aapke liye kya hai? Jeetne ka hai, right? Kashish, I need you to talk to me. What are you feeling? मैं अभी जब आया था घर से तो मैं अपनी मॉम को यही बोल के आया था कि माँ, मैं जा रहा हूँ और मैं जीत के आऊँगा. मेरी मॉम अभी पिछले 1.5 ईयर में अकेली नहीं रही है बिल्कुल भी. मैं उनके साथ रहता हूँ, वो सो नहीं पाती है रात को अगर मैं बाहर होता हूँ तो. एंड मुझे आज भी याद है जब मैं रोडीज़ जीता था, मुझे फ़ोन मिला था. मैंने सबसे पहले फ़ोन लेते ही मैं उनको कॉल किया था और बोला था कि माँ, आप एक रोडी विनर से बात कर रहे हो. एंड वो खुशी होती है माँ को जब का बेटा गया है और वो जीत के आया है, तो ऑब्वियसली 100% मन में है कि मुझे जीतना है. बट अभी जो सिचुएशन है, मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या डिसीजन. फ्रॉम डंपिंग मैन वी हैव टू गो एज़ प्लान्ड. वी हैव टू.